हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दियाज़ मेकओवर। सो जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मेरा नायका हॉल और नायका पिंक फ्राइडे सेल। ठीक है, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैंने नायका से ऑर्डर करे थे और वो भी मैंने बहुत अच्छे खासा डिस्काउंट के साथ या फिर फ्रीबीज के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपके साथ दो कैटेगरी में शेयर करूँगी, एक मैं अपने अफोर्डेबल कैटेगरी में और एक लग्जरी कैटेगरी में। जो मतलब इनका लग्जरी स्टोर वाला बॉक्स आता है ना, ब्लैक वाला, जो इसमें आते हैं वो मैं आपको लग्जरी उसमें शेयर करूँगी, और जो नॉर्मल बॉक्स आता है इनका ब्राउन वाला वो मैं अफोर्डेबल वाला है वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। तो जो सबसे पहला मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये एनके की पैलेट। ये मेरे को ऐसे 3-3 के सेट में आई थी, मतलब 3 एक उसमें था, ये वाला 3 और ये वाले 3 एक उसमें आए थे। ये था, वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था 2397। जी हाँ, जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो था 2397 और जो मुझे ऑफ में मिला वो मिला मेरे को 699, यानी कि 700 में मुझे इसकी ये 3 पैलेट और 700 में ही इसकी 3 पैलेट, मतलब 1400 में इसके 6 पैलेट्स मुझे मिली हैं, जिसके साथ मुझे ये एक फ्री पैलेट भी मिली है जिसमें सारे ही शिमर शेड हैं। और ये बहुत ही प्यारे शिमर हैं, पिगमेंटेड भी हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं है कि चंकी पार्टिकल्स वाले, डस्ट ऑफ भी इनका इतना नहीं है, मतलब फ्रीबीज में भी मिली है। स्ट्रेंज ना, ये थे 3 और ये थे 3 और ये इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसमें मैट भी है, शिमर भी है, सारे शेड्स हैं इसमें। ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे ये एनके का है अंडर द सी, इसमें ब्लू से रिलेटेड शेड्स होंगे सारे। और मैं आपको इसका स्वॉच भी करके दिखा देती हूँ। देखो, इसमें शिमर वाले भी हैं और मैट भी हैं, मतलब अगर ये ट्रैवलिंग के लिए इतनी कन्वीनियंट है, आपको पता है कि हाँ मैंने तो ये वाली ड्रेस कैरी करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वो पैलेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। ठीक है, ये हो गई। फिर इसमें है ये शुगर प्लम, इसमें सारे पर्पल के शेड्स हैं। अगर आपको पता है कि हाँ मैंने तो पर्पल वाली ड्रेस अपनी कैरी करनी है, तो उसके साथ सिर्फ आप ये वाली पैलेट लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर है ये मोका मेक, तो इसमें क्या सारे ब्राउन के शेड, और इतने ज़्यादा प्यारे ब्राउन के शेड्स हैं ये सच में। फिर है ये पॉइजन एप्पल, इसमें रेड, पिंक, मरून, ये वाले शेड्स हो गए। नेक्स्ट है ये लकी चाम, इसमें सारे ग्रीन के शेड्स हैं। फिर है ये ओशियन आइज, इसमें सारे ब्लू के शेड्स हैं, इसमें मैट भी हैं, शिमर भी हैं, सब हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑफ में ये मुझे मिल गई है। और अभी भी इसकी नायका की नेक्स्ट सेल क्रिसमस के नियर आती है, तो तब भी आप जो मिस कर गया ये वाली सेल, वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर चांस ट्राई कर लेगा अपनी, है ना। जो मैं नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ वो है ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इन है मामा अर्थ के प्रोडक्ट सारे। इसमें क्या विद विटामिन सी और टर्मरिक, जो कि स्किन के लिए दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो मैंने अपने लिए शेड मंगवाया था वो था 03 न्यूड ग्लो। ये इसकी पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल है, वाइट लिड, पैकेजिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा है इसका ये जो पंप है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ये पंप इसका। और ये भी मैंने ऑफ में ही मंगवाया है और ये मुझे मिला था, वैसे जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो था 600 और ये मैंने मंगवाया है 325 का। तो अच्छा खासा ऑफ मुझे इसमें भी मिल गया, इसलिए मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था। और ये ना ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही अच्छे से स्किन पर ना मर्ज हो रहा है। स्मेल भी इसकी ऑर्गेनिक सी है, अच्छा है, मतलब लाइट वेट है, ऐसे हैवी फाउंडेशन नहीं है, फुल कवरेज नहीं है, बट बहुत अच्छा है सीरम में। नेक्स्ट मैंने इसी का ही कॉम्पैक्ट ऑर्डर करा था। एक्चुअल प्राइस जो इसका था वो था 499 और जो मुझे ऑफ में मिला वो है ये 270 का। तो और इसमें भी मैंने न्यूड ग्लो ही शेड ऑर्डर करा है। अब इसका मैं ओपन करती हूँ आपके सामने। और ये कहता है ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट, मतलब ये आपके जो फेस पर ऑयल होगा उसे भी कंट्रोल करेगा। ये एक पफ के साथ आता है। मतलब मैंने जो भी ऑर्डर करा है ना, वो अच्छे खासे ऑफ जो जिस पर मुझे मिल रहा था मैंने वही ऑर्डर करा है, या किसी के साथ अच्छा खासी फ्री बीज मिली है, क्योंकि भाई सेल लगी है तभी तो सेल का फ़ायदा उठाना है ना। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये मेबलिन का लूज पाउडर इन द शेड 20 लाइट मीडियम। ये मतलब अफोर्डेबल में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा ये लूज़ पाउडर है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये भी मुझे अच्छे खासे ऑफ में मिला था। एक्चुअल प्राइस जो था वो था इसका 799 यानी 800 और मुझे ये मिला 599 यानी 600, मतलब 200 ऑफ में मुझे ये अच्छा खासा लूज़ पाउडर मिल गया। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वह ये शॉर्ट्सकॉफ का मास्क रेड वाला। इसमें क्या है कि मेरे पास शैम्पू तो था पर मेरा मास्क ख़त्म हो गया था, तो ऑफ आई मैंने ऑफ में, ये भी मुझे ऑफ में मिल रहा था तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो था 1050 और ये मुझे मिला है 840 का। और इसके साथ भी मुझे ये स्प्रे बॉटल फ्री में मिली है। ये है मॉइस्चर किक स्प्रे कंडीशनर। मतलब ये डिटैंगल जब हेयर्स हो जाते हैं तो आप वेट हेयर्स में ये स्प्रे करें और फिर अपने डिटैंगल हेयर्स को ईजिली कॉम कर सकते हो। तो ये मेरे को 840 में ये वाला भी मिला है और ये भी मिला है फ्री बेस में। नेक्स्ट मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर ऑर्डर किया था इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, ये भी ऑफ में था तो मैंने ये भी मंगा लिया क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर्स तो जितने हो उतने ही कम है। और इसका ब्यूटी ब्लेंडर एक्चुअल में है भी बहुत अच्छा। मतलब एक तो फॉरएवर 52 के बहुत अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं उस वो, लेकिन हमेशा मेरे को आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है नायका पर, तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और ये एक्चुअल प्राइस था इसका 125 रुपीज़, लेकिन मुझे ऑफ में ये 105 में मिला है और बहुत ही अच्छा है सच में। नेक्स्ट ये जो रेवोल्यूशन का न्यू वाला लिक्विड ब्लश आया था, ये मेरे को ना बहुत टाइम से ट्राई करना था लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही थी, तो अब ऑफ में मैंने ऑर्डर कर दिया। और एक्चुअल प्राइस जो था इसका वो था 695, लेकिन मैंने ऑफ में ऑर्डर करा तो मुझे इस पर ज़्यादा ऑफ नहीं मिला, लेकिन हाँ 700 का था तो मुझे 625 रुपीज़ का मिला था। ठीक है, ट्राई भी कर हो जाएगा मेरा और थोड़ा बहुत ऑफ में भी मिल गया, बट ट्राई करूँगी फिर इसके साथ आपका रिव्यू भी शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैंने ये एक और लिक्विड ब्लश ऑर्डर करा है, ये है के ब्यूटी का, ये भी मुझे ऑफ में मिल रहा था और ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, उन्होंने वो हर किसी ने हाईली रिकमेंड किया था तो मेरे को ये ट्राई भी करना था, तो पिंक फ्राइडे सेल से अच्छा मौका क्या हो सकता था इसे ऑर्डर करने का, तो मैंने उस टाइम पर ही ये ऑर्डर करा है। और ये भी मुझे अच्छे खासे ऑफ में मिला था, 800 का था और मुझे ये 630 रुपीज़ का मिला था। अच्छा है सच में, हाईली रिकमेंड करा था सबने, मैंने भी मंगवाया और फिर मैंने इसको ट्राई भी करा और ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मुझे एक आईब्रो पेंसिल चाहिए थी तो ये शुगर की है, मुझे ऑफ में नहीं मिली थी, कुछ फ्रीबीज भी नहीं था शुगर पे ऐसा खास, तो ये 499 का मैंने ये भी ऑर्डर किया था। तो ये मैं अपना अफोर्डेबल कैटेगरी का मैं प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब मैं आपके साथ अपना नायका लक्स जो स्टोर होता है उसके प्रोडक्ट शेयर करूँगी। सो गाइज मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये मॉर्फी के ब्रशेस का सेट, ये है आई ब्रश सेट, ये 8 आई ब्रश सेट है और इनके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ हैं बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ जो मुझे फ्री बीस, मतलब ये मुझे ऐसे ऑफ में नहीं मिला, जो इसका प्राइस था 2800 ये मुझे 2800 का ही मिला है, लेकिन जो इसके साथ मुझे एक फ्री बीस भी मिली थी वो था ये छोटू सा क्यूट सा रोज़ गोल्ड किट में 4 आई ब्रश सेट। मतलब छोटू से ब्रशेज़ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, एक छोटी उसी पैलेट ले जाओ वो और ये एक छोटू सा ब्रश सेट ले जाओ और यू आर गुड टू गो। मतलब इतना अच्छे हैं ये ब्रशेज़, इतने क्यूट हैं छोटू से। इतनी कन्वीनियंट है ना सीरियसली, इसमें 4 ब्रशेज़ हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये मुझे इसके साथ फ्री बीज में मिली थी। नेक्स्ट जो मैंने मॉर्फी से ऑर्डर की थी वो इनकी ये रेड लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मरून, मुझे ना न्यूड का मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया था, मुझे थोड़ा एक डार्क शेड भी चाहिए था, तो ये वो है ब्लड शॉट इसका शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका स्वॉच करके। ये मरून टाइप में है, रेड और मरून का ना मिक्स है, मतलब ना रेड ब्लड रेड में ना प्रॉपर मरून है, रेड और मरून का मिक्स है और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा शेड है ये। मतलब फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा है, मीडियम भी कैरी कर सकते हैं। ये भी मुझे ऑफ में नहीं मिली थी, 1000 का ही मिली है मुझे ये। और शायद ना मॉर्फी पे ऑर्डर था कि 4000 या 3500 की शॉपिंग पे कुछ ऑफ था और मुझे शायद कुछ ऑफ मिला है मॉर्फी पर। हाँ एक तो ये मिला था मुझे ट्रैवल साइज़ ब्रश का और मुझे शायद 200 और 300 मुझे ऑफ मिला था इन दोनों ऑर्डर पर। मतलब मेरा ये 3800 का हो गया था ना, तो मेरे ख्याल से मुझे 3500 का पड़ा है और इसके साथ में ये भी मिला था। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये स्मैशबॉक्स की लिपस्टिक्स का सेट। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा, इतनी ज़्यादा है ना, इसमें से एक तो मतलब हाईली रिकमेंडेड वाला शेड था ड्राइवर सीट, जो मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये मतलब सीरियसली इतने ईजली वाले मतलब रेट पर मुझे मिल गया, इतने ज़्यादा रीज़नेबल पर मिले हैं ना। ये एक्चुअल प्राइस जो था ना वो इनका 1090, ऑलमोस्ट 1100 ही हो गया। 1100 में सिर्फ मुझे ये 2 लिपस्टिक्स मिल रही थी विदाउट ऑफ, सिर्फ ये वाली 2 लिपस्टिक्स, और अब मुझे 1100 में ये 4 लिपस्टिक्स मिल रही हैं। मतलब ये भी, ये वाले 2 लिपस्टिक्स, इसमें भी 2, इसमें भी कॉम्बो है और इसमें भी एक कॉम्बो है। मतलब 1100 में मुझे चार लिपस्टिक्स स्मैशबॉक्स की। हाँ मिनी साइज है, मिनी साइज बहुत टाइम तक चलता है इनका, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन में ख़त्म हो रही है आपके लिपस्टिक। अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, मतलब 1090 में 4 शेड्स, वरना 1090 में आपको यही एक मिलता। इसमें जो शेड्स आए थे वो था शायद एक था ड्राइवर सीट और एक है ये डिसऑर्डरली। इसके आगे भी लिखा हुआ है ये वार्म पिंक शेड में आएगा और ये आएगा डीप ब्रिक रेड में। तो ये रेड ये थोड़ा डार्क टोन में चला गया, ये थोड़ा न्यूड टोन में चला गया। आपको इसके दोनों का स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये तो है इसका डिसऑर्डरली जो थोड़ा डार्क में है। ये मेरे को ऐसा ना अपना मॉर्फी वाले से सिमिलर सा लग रही है शेड्स, ये वाली शेड जो मॉर्फी से सिमिलर लग रही है। और ये है ड्राइवर सीट, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरे पास इसका बिग वाला भी है और ये मुझे कॉम्बो में मिल रहा था तो मैंने सोचा क्यों छोड़ूं। ये है इसका ड्राइवर सीट, बहुत ही प्यारा पिंक न्यूड सा शेड है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट अब मैं ये वाला कॉम्बो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें भी यही है, एक तो ब्राउन न्यूड में आ गया और एक थोड़ा डार्क शेड में आ गया। और ये जो ब्राउन न्यूड में है इसका नेम है स्टेपिंग आउट और ये सच में बहुत ही प्यारा ब्राउन न्यूड शेड है। मतलब ये पिंक न्यूड में आ गया, ये ब्राउन न्यूड में आ गया, ये बहुत डार्क में आ गया, थोड़ा पिंक टोन में आ गया। मतलब चारों ही ऐसे हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इसका नेम है स्टेपिंग आउट ब्राउन वाले का, और ये जो दूसरे वाला है इसका नेम है बिग स्पेंडर। ये थोड़ा पिंक मॉव में आ गया, ये एक मॉव शेड है, ये ब्राउन में आ गया, ये पिंक न्यूड में आ गया और ये डार्क रेड मरून टाइप में आ गया। तो चारों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कुछ भी सिमिलर सा शेड डाला हुआ है। अगर कॉम्बो में तो ऐसा नहीं है कुछ भी दिया हुआ है, अच्छा खासे शेड्स बहुत ही डिफरेंट और अच्छा खासा ऑफ में मिल गया मुझे। मतलब मेरे ख्याल से मुझे 270 की एक ये लिपस्टिक मिल पड़ी है स्मैशबॉक्स की। कैन यू इमेजिन, है ना, अच्छी खासी डील थी अभी। नेक्स्ट जो कि है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट वो है ये हुडा ब्यूटी की मरकरी वाली पैलेट, और ये भी मैंने ऑफ में ही मंगवाई है। और आपको पता है हुडा की जो पैलेट पर ऑफ़ आया था ना, जो फर्स्ट डे आया था पिंक फ्राइडे सेल पर, वो 50% ऑफ पे भी था। जो मतलब उसकी मिनी पैलेट्स होती है 2400 की, वो 50% में 1200 की भी गई थी। और इवन जो उसकी नॉटी पैलेट जो कि 5375 जो शायद उसका प्राइस है, वो 50% ऑफ में मतलब 2725 के अराउंड पड़ रही थी। लेकिन वो मेरे पास थी इसलिए मैंने वो ऑर्डर नहीं करी। और उसकी रोज़ क्वार्ट्स वाली पे भी 50% ऑफ था, इस पर भी ऑफ था, इस पर लेकिन 40% ऑफ था। तो ये मेरे को 3200 समथिंग की पड़ी, मतलब 32 और 3300 के बीच में पड़ी है। और वैसे जो इसका प्राइस है वो है 5375। मतलब इसके आप कलर्स देखो सब कुछ, मतलब इतना ज़्यादा प्यारे हैं ये शिमर्स, इसके इतने ज़्यादा अच्छे हैं। पिगमेंटेड तो आपको पता है हुडा की पैलेट्स होती हैं, मतलब न्यूड और ग्लिटरी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पैलेट है ये, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर ऑफ, अब तो मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ ऑफ चल रहा है इन पर, लेकिन हाँ भी नेक्स्ट दिसंबर में 25 के अराउंड इनकी क्रिसमस सेल आती है या न्यू ईयर पर आती है। मतलब एक सेल अभी इनकी और आनी है, तो जिनका मिस हो गया वो उस वाली सेल पर ऑर्डर कर देना। पर अच्छा खासा ऑफ मिला था मुझे। तो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर की थी ये हुडा ब्यूटी की लैश ग्लू, इसमें कुछ ऑफ नहीं मिला मुझे, बट ये मेरे को चाहिए थी। तो इतने सारे ऑर्डर में मैंने ये लैश ग्लू का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया था अपना। ये 1200 का था और ये मुझे 1200 का ही मिला। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करा है वो ये है टू फेस के कंसीलर। इसमें मैंने एक डार्क शेड करा है करेक्शन के लिए ऑर्डर, वार्म सैंड, और एक है ये आलमंड हाइलाइटिंग के लिए। मतलब एक डार्क हो गया कलर करेक्शन के लिए और एक लाइट हो गया हाइलाइटिंग के लिए। मैं आपको इसके स्वॉच कर कर दिखाती हूँ। टू फेस पर ऑफ नहीं था, बट इस पर फ्री बीज अच्छे खासे थे और मैक पर भी ऑफ था, बाय 2 गेट 1 फ्री, हाँ ऐसा कुछ था। और इस पर भी शायद यही वाला ऑफर था बाय 2 गेट 1 फ्री स्टार्टिंग में, बाद में तो मेरे को तो वो ऑफर नहीं मिला बाय 2 गेट 1 फ्री वाला, मुझे तो उन्होंने फ्री बीज दिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है इसका वार्म सैंड, ये है थोड़ा डार्क में, मतलब मेरे कलर करेक्शन के लिए यूज़ होगा वार्म सैंड। नेक्स्ट है ये आलमंड, ये हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी मैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फ्री बीज। इसकी कंसिस्टेंसी तो मैं आपके साथ क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज वाला कंसीलर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, सिर्फ यही वाला कंसीलर से मैं अपना पूरा मेकअप बेस कैरी कर लेती हूँ। और इसका प्राइस था 2350 एक, हाँ एक था 2350 का। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये फ्री बीज जो मुझे टू फेस वालों ने दिए थे। टू फेस में ना 5 थे, मतलब 5 थे फ्री बीज में, उसमें से आपको 3 अपने आप ही पिक करने थे। तो मैंने तो ये करा है एक लिप इंजेक्शन इनका जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है हमेशा। एक ये वाला मस्कारा टू फेस का बेटर देन सेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन फ्रीबीज़ में मैंने यही ऑर्डर करा। और नेक्स्ट था ये इनका प्राइमर हैंगओवर डिलक्स प्राइमर। फ्रीबीज़ में 5 आइटम्स थी। एक पाउच था टू फेस जिस पर था मेंशन, एक लिपस्टिक का सैशे था और बाकी ये 3 आइटम्स थी। तो मुझे ये 3 ज़्यादा यूज़फुल लगी उन दोनों के कंपैरिजन, तो मैंने ये वाली 3 आइटम्स अपने लिए पिक करी। सो या गाइज दैट्स इट। ये था मेरा नायका हॉल और नायका पिंक फ्राइडे सेल। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा वीडियो, और ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा अपना प्यार कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।